हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2 BHK का इंटीरियर जो कि हमने किया है पंसिल की रिंटू में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आता है मेन डोर पर एक एंट्री डोर है स्टील का 304 ग्रेड में, कुछ तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। फिर जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो ये हमारा आता है एक ड्राॅइंग रूम। अगर मैं इस ड्राॅइंग रूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ये हमारा ड्राॅइंग रूम में सामने वाली वॉल पर अपना एक टीवी कैबिनेट बनाया हुआ है। अगर मैं टीवी कैबिनेट की बात करूं तो ये हमारी पूरी वॉल है लगभग 7 फीट की और 6 फीट इसकी हाइट है। इसके अगर मैं कलर के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हाँ, यहाँ पर हमने एक ये स्टोन फिनिश में लेमिनेट है, नीचे ब्राउन हाई ग्लोस लेमिनेट। और अगर मैं इस तरफ के सेक्शन की बात करूं तो ये हमने हैंडललेस शटर बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये हमारे एक ड्रॉर आता है, इसके नीचे ये हमारे और ड्रॉर आते हैं हैंडललेस। और इधर की साइड में एक शो केस के लिए हमने शटर लगाया हुआ है ग्लास का कुछ इस तरीके से। जैसे आप ये ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्टोरेज मिलेगी पूरी। पीछे अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पर पूरे हमारे PVC के लूवर्स या PVC पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी आपका बड़ा TV आ जाएगा। और ये हमने एक ये मंदिर बनाया हुआ है। अगर हम मंदिर की बात करूँ तो ये 6 फीट हाइट और ऐसे 2 फीट का मंदिर है, जिसमें यहाँ पर अभी क्लाइंट की हाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेल्फ आ जाएंगी। नीचे हमने यहाँ पर एक ट्रे दिया है, ये अपना पूजे के लिए स्पेस बड़ा हो जाता है कि वहाँ पर भी अपने भगवान जी और यहाँ पर अपने ट्रे वगैरह रख सकते हैं। उसके नीचे आपकी ये ड्रॉर आती हैं, ये सेल्फ हैं जो भी हम क्लाइंट से हाइट पूछ कर इनको लगाएंगे अपने मंदिर में। और इसके नीचे भी एक और ड्रॉर आ जाती है। फिर ये हम चलते हैं, ये हमारी किचन है, LCM की किचन है, बिल्डर ने दी हुई है। ये पत्थर और टाइल बिल्डर वाले हैं। अगर मैं इसके नीचे के सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हमने 4 बास्केट हैं। ये हमारी आती है एक मल्टीपर्पज़ बास्केट, उसके नीचे भी हमने ये मल्टीपर्पज़ बास्केट दी हुई है। यहाँ पर एक हमारी PVC कटलरी आती है, उसके नीचे देखेंगे तो ये हमारी एक थाली बास्केट आती है। ये हमारा कॉर्नर स्टोरेज आता है। यहाँ पर हमारा एक ये बॉटल पुलआउट आ जाता है। और अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक ये वेस्ट बिन होल्डर दिया है। अगर मैं ऊपर के सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हमने चिमनी का स्पेस दोनों तरफ ही हमारा इस तरीके से कुछ ऐसे अपने हाइड्रोलिक शटर आते हैं दोनों साइड में। ऊपर में हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट और पूरा ओवरहेड स्टोरेज दी हुई है। नीचे भी प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर मैं इधर के सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक ये डिश रैक लगाई हुई है, GTPT डिश रैक कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। ऊपर में हमारी किचन कुछ इस तरीके से आपको पूरी नज़र आएगी। चलते हैं बेडरूम की तरफ, तो ये आता हमारा फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने बिल्डर स्पेस में एक वार्डरोब बनाई है। वार्डरोब पे हाई ग्लोस लेमिनेट लगाई है कुछ इस तरीके की। ये अपने रोज गोल्ड कलर के हैंडल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन नज़र आएंगे, जिसमें हैंगर स्पेस, यहाँ पर अपने सामान रखने के लिए स्पेस, ये अपने 2 ड्रॉर आते हैं हैंडललेस, और यहाँ पर पूरी स्टोरेज बनी हुई है। इसी के ही जस्ट अपोजिट में, क्योंकि एज हमने किड्स बेडरूम यूज़ किया है तो यहाँ पर हमने एक स्टडी टेबल बनाई है। अगर स्टडी की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी ये हैंडललेस ड्रॉर आती हैं। यहाँ पर आपके 3 ड्रॉर हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूँ, यहाँ पर शटर आ रहा है, ये भी आपके स्टोरेज है। ये हमने ओपन बॉक्स दिया है। इसके नीचे हमने एक ये रेडीमेड प्रोफाइल लाइट लगाई है। और इसके भी, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ वुड वर्क किया है, कंट्रीट वगैरह का कोई काम नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये ओपन अभी वायरिंग छोड़ी हुई है। जब कभी भी सर पेंट कराएंगे तो एक ही कंट्रीट पाइप डल जाएगा और पेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एक बिल्डर ने निश दी हुई है। इस निश को, क्योंकि अपना बेड अगर कोई भी यहाँ पर रखेगा तो इसके पीछे आपका स्पेस मिलता है, तो ये स्पेस वेस्ट होता है। तो हमारा यहाँ 4 फीट तक अपना बेड आ जाएगा। उसके ऊपर हमने ये आर्टिफैक्ट वगैरह या बच्चों के कुछ भी टॉयज वगैरह छोटे छोटे रखने के लिए स्पेस बनाया हुआ है, जिसमें हमने ऊपर प्रोफाइल लाइट लगाई है, ब्राउन कलर की लेमिनेट और व्हाइट कलर की लेमिनेट लगाई हुई है। चलते हैं, ये आता है हमारा मास्टर बेडरूम। अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक बिल्डर स्पेस में एक वार्डरोब बनाई है। अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपना ये हैंगर स्पेस, स्टोरेज, ड्रॉर और नीचे सेल्फ। और यहाँ पर हमने एक फुल मिरर लगाया हुआ है जो कि ऐसा आपका कुछ इस तरीके से यूज होगा ड्रेसर के जैसे। सामने हमारी टॉयलेट वाली वॉल आती है, रिमेनिंग वॉल, इस पर हमने एक स्लाइडर वार्डरोब बनाई है। ऊपर में हमारे शटर आते हैं। अगर मैं स्लाइडर वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के हैंडल यूज़ किए हुए हैं। और इस साइड में आपकी एक ड्रॉर आती है, सेल्फ आता है, इस साइड में नीचे सेल्फ आता है। अगर मैं इसके दूसरे साइड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे हैंगर स्पेस, ड्रॉर और नीचे सेल्फ आती है। ऊपर हमारी लॉफ्ट स्टोरेज आती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।